आज से हमारा न्यू एपिसोड न्यू कार्यक्रम जिसका नाम है हमारी दुनिया और साइंस, और इससे रिलेटेड तो हमारा टॉपिक है आज का इंसानी दिमाग ह्यूमन ब्रेन, जो कि सुपर कंप्यूटर है, द पावर हाउस इन द बॉडी ह्यूमन ब्रेन, जिसे दिमाग। वीडियो से बने रहिए, और अब इस एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको आप पूरी देखेंगे तो आपको इंसानी दिमाग के क्या रहस्य है, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप पूरी इस वीडियो में जान जाएंगे। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, साइंस सीरीज में, हमारा जो टॉपिक है इंसानी दिमाग ह्यूमन ब्रेन, द मेन पावर हाउस इन द बॉडी ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। इंसानी दिमाग के तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन और थर्ड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है आगे मस्तिष्क होता है, अग्र जिसे मस्तिष्क कहता है, मिड ब्रेन जो बीच में होता है, और थर्ड मस्तिष्क में जो बाधा होता है, जो हमें अगर चोट लगता है तो हमें मैसेज आता है कि मुझे चोट लगा, तो वो है हिंड ब्रेन का काम। ये तीनों का काम अलग अलग कामों के लिए होता है। चलिए अब जानते हैं, आपको पता होता है जो हमारा कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है वो हमारे ब्रेन से ही देख के बनाया गया हार्डवेयर। ऐसे हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर कितने होते हैं, वही 128 जीबी के कितने। लेकिन आपको पता है ह्यूमन ब्रेन जो है ये लगभग 1 GB 2 GB टेराबाइट्स इसकी मतलब कैपेसिटी है। अगर एक इमेजिन करें आप एक कोई वीडियो की, कि अगर 300 साल तक हमारे सामने वीडियो चलती रहे तो हमारे दिमाग में कैप्चर होता रहता है, वो हमें याद होता चलता है। उस तरह जो है हम जो भी अगर वीडियो प्ले करें तो हमारा दिमाग जो है 300 साल तक प्ले हुआ किया हुआ चीज़ जो है हमें याद रहता है। हमें देखें हमारे बचपन में कुछ जो इंसिडेंट होती है, या हमें बच्चों की जो बच्चे जो हम लोग रहते हैं, जो छोटे बच्चे हम ही लोग रहते हैं, तो हमें सारी कहानी पता होती है कि हमें दादी ने कहानी सुनाया, इसने मुझे कहानी सुनाया, तो वो हमारे ब्रेन में स्टोरेज रहता है। चलिए अब जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के कुछ फैक्ट्स। लगातार अगर 90 मिनट तक पसीना तरबतर आने लगे तो दिमाग जो है सिकुड़ जाता है। दिमाग में जो है हर एक सेकंड में ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है, और इन्हीं केमिकल के हिसाब से हमारा दिमाग भी काम करता है। पुरुषों का दिमाग महिलाओं से 10% बड़ा होता है, और जो हमारे सदी के साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग सामान्य इंसान की तुलना में 10% छोटा था, लेकिन उनके दिमाग में जो न्यूरॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा थी। हमारा दिमाग जो है लगभग जितने आसमान में तारे हैं उनसे मिलकर, उन सारे मतलब कि न्यूरॉन्स जिसे बोलते हैं, न्यूरॉन से मिलकर हमारा जो माइंड बना है। अगर हम देखें स्पर्म व्हेल का दिमाग सबसे बड़ा होता है, और दिमाग सोते समय भी काम करता है। दिमाग को कभी दर्द नहीं हो सकता क्योंकि दिमाग में पैन रिसेप्टर्स नहीं है। अगर जो ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं या ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, उन लोगों को ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। जब आप कुछ नया याद करते हैं तो आपके दिमाग में एक नए स्ट्रक्चर बनता जाता है, ढांचा बन जाता है। ब्रेन पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है। हमारे ब्रेन में इतने सारे रक्त वाहिकाएं हैं कि हम पृथ्वी के 4 बार लपेट सकते हैं। एक लगभग व्यक्ति के दिमाग में हर दिन में लगभग 60,000 आइडियाज आते हैं, 60,000 विचार आते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का 2% है, परंतु ये कुल ऑक्सीजन 20% उपयोग करता है, और इसकी खून भी जो हमारे ब्रेन में है 20% ऑक्सीजन 20% खून डिजर्व करता है। और हमारे दिमाग को 5 से 10 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो फट सकता है। और हमारा दिमाग जो है 70% पानी से बना है। अगर दिमाग को हम देखें तो ये जो है एक पनीर की माफिक है। हमारा दिमाग जो है 5 साल की उम्र में 95% डेवलपमेंट होता है। अगर वही हम 18 साल के हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो हम जो है डेवलपमेंट 100% डेवलपमेंट हो जाता है। जब इंसान जागता है तो उसका दिमाग 10 से 23 वाट्स की पावर जनरेट करता है। उसमें एक लाइट बल्ब जलने के लिए बहुत है। हमारा ब्रेन 90 मिनट से लेकर 1 आवर 30 मिनट तक एक पर फोकस करता है, उसके बाद उसका फोकस टूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि 90 मिनट के बाद आप जरूर ब्रेक ले, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं 45 मिनट के बाद। अगर आप अपने आप को गुदगुदी करें तो नहीं हंसते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन का एक हिस्सा सेरिबेलम बता देता है कि वो आप खुद हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि सामने वाला आपको सुन रहा है या इग्नोर कर रहा है। आपको पता होना चाहिए हमारे दिमाग में जितने भी संख्या में न्यूरॉन्स है उतने संख्या में तारे हैं, मतलब कि 100 अरब न्यूरॉन से हमारा एक माइंड बना है। कितना सुपर कंप्यूटर जो इसे हम माइंड कहते हैं। हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामिन सिस्टम होता है, जो घटनाओं के बारे में ब्रेन को संकेत भेजता है।
हो सकता है कि हम इसी भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं, शायद इसीलिए कुछ लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं। दिमाग शराब पीने के लगभग 8 से 10 मिनट के बाद जो है हमें नशा लगता है, 8 से 10 मिनट लगता है मुझे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन असल जो है 10 मिनट के बाद उसे नशा लगता है। एक स्वस्थ जो इंसान है वो कंप्यूटर से 30,000 गुना ज़्यादा से काम कर सकता है, तेज़ी से काम कर सकता है, जिसे सुपर पावर कहते हैं, जिसे पावर हाउस कहते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपको बताया। आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ पता नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक जिन्हें नहीं पता है ब्रेन्स की पावर, उन्हें पहुँचाएं। और वो जिस हालात में अगर है वो अपना ब्रेन का यूज़ करके, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करे और वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल कामयाबी हासिल करे।